यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में कम होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर हैं। आज उन्होंने दो जगहों पर चुनावी रैली की है। सीएम धामी ने सबसे पहले कलानौर में हुकार भरी, उसके बाद रोहतक में जनसभा में शिरकत की है और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे हैं। सुनाएंगे। जनता की जेब काटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे। 108 की तरह उनका जहां भी मौका पड़ता था वो छोड़ते नहीं थे। भाइयों बहनों, नौकरी मांगने जाओ तो उस समय केवल उनको नौकरी मिलती थी जो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में फिट बैठते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। जो पढ़ाई लिखाई करते थे, ये हो सकता है कुछ लोगों को जिनको नौकरी मिली हो वो जरूर उनके गीत गा सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अधिकांश लोग आज भी उस शासन को कोसते हैं जहां पर केवल पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था। युवाओं की योग्यता के साथ छलावा किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। गरीब माता पिता के बेटे बेटी को नौकरी नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर खुला करप्शन होता था। एक उद्योग के रूप में यह काम होता था। हुड्डा सरकार जन कल्याण नहीं करती थी। हुड्डा सरकार जन कल्याण के बजाय दामाद कल्याण में जुटी रहती थी। दामाद